सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर टन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो में आप सभी को एक बहुत बढ़िया लेसन मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेसन मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें, एंड जो मतलब इस वीडियो से जो आपको लेसन मिलता है उसको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अगर आप ट्रेडिंग में अपना एक करियर बिल्ड करके एक अच्छा आगे बढ़ करके एक ट्रेडिंग में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा जो मैंने आज गलती किया है। क्योंकि देखो होता क्या है, एक्चुअली आज मेरा सेकेंड बिगेस्ट लॉस है टिल द मतलब जब से मैं ट्रेडिंग में घुसा हूँ पिछले 3 साल से, 4 साल से। 1 साल तो भाई एक सबका वैसे ही रहता है, 3 साल से प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और उस ट्रेडिंग करियर में टुडे इज़ माई सेकेंड बिगेस्ट लॉस। एंड वो चीज़ मैं आप सबके साथ में रिवील करना चाहता हूँ कि क्या मैंने गलती किया और किस वजह से मुझे लॉसेस हुए, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर को वीडियो को एंड तक देखें। एंड पहले मैं आपको पोजीशन दिखा देना चाहता हूँ, ये हमारा पोजीशन आप देख लो। ओवरऑल हम लोग को 36,392 रुपये का लॉस है, तो आप ये देख लो। एंड आप ये मत सोचना कि 36,000 मेरे को सबसे पहले नुकसान हो गया, ठीक है, मैं इसके पीछे बताऊँगा। मैंने सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ अराउंड सुबह सुबह मैंने 20,000 के आसपास का प्रॉफिट बना लिया था, ठीक है। सुबह सुबह मैंने 20,000 का प्रॉफिट बना लिया, बट फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे 36,392 रुपये का नुकसान हुआ। इसके पीछे का क्या कारण, एक्चुअली ये 36,000 नहीं था, ये 48,000 था। मैंने इसको कवर करके अराउंड 36,000 के आसपास लेके आया, ठीक है। दो तीन ट्रेड्स मैंने मारे तो उसमें मतलब लगभग 10-12-14 हज़ार का कवरिंग हो गया। बट कोई नहीं, जो मैं इसमें लेसन सिखाने वाला हूँ वो मैं समझाता हूँ कि मैंने मेरे से गलती क्या हुई। एक्चुअली क्या है कि देखो, ट्रेडिंग में लोग हाइप बना के रखे हुए हैं। हाइप क्या है कि वो सिर्फ ना प्रॉफिट्स वाले स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, सिर्फ सारे लोग क्या करते हैं प्रॉफिट्स वाले स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल वे, दैट इज़ टोटली मिस गाइडेंस। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, जो बंदा आपको वो अपना गलत चीज़ें बताता है, वो अपना डिमेरिट्स को बताता है ना, वो बंदा जेन्युइन है। मतलब सिंपल से बात मेरा इतना ही कहना है कि लोग आपको अच्छाई दिखा करके सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके वो सिर्फ अच्छा ही दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी एक ऐसा सिंगल ट्रेडर नहीं है इस धरती पे जिसको नुकसान नहीं होता, लेकिन दिखाते कितने लोग हैं, बहुत कम लोग। और मेरा हमेशा से परसेप्शन यही रहा है कि मैं मिसगाइड ना करके आपको प्रॉपर रियलिटी डाउन टू अर्थ होकर के दिखाऊं। ये नहीं कि भाई कि देखो आज मैंने, अब एक बात जैनबिन से सोचो, अगर 36,000 नुकसान करता हूँ तो कमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कमा लूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स दिखा करके लोगों को गुमराह करने से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 36,000 का नुकसान मुझे कोई दिक्कत है, भाई मुझे पता है 2 से 3 दिन में कवर कर दूंगा। 2 दिन में अगर मैं ओवर ट्रेडिंग ना के मतलब अगर मैं जेन्युइनली तरीके से भी ट्रेड करूँ, प्रॉपर सिस्टम से भी ट्रेड करूँ, तो ये 2 दिन का भी लॉस नहीं है मेरा, ठीक है, मैं कवर कर लूँगा। और वैसे भी ये लॉस नहीं है, कल का जो प्रॉफिट था, कल का प्रॉफिट्स में अराउंड 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 उसमें से 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है ये लॉस, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं ये प्रॉफिट प्रॉफिट ज़्यादा इस सब चीज़ों में शेयर करने में बिलीव नहीं रखता। अगर किसी बात से कुछ लर्निंग मिलती है तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगा, एंड इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि सारे लोग तो प्रॉफिट्स दिखा ही रहे भाई, कोई एक तो ऐसा होना चाहिए ना मार्केट में जो आपको वो अपनी बुराइयाँ बताता हो, अपनी कमियाँ बताता हो, जो उससे गलती हो रही है वो बताता हो। बाकी तो सब लोग भाई यही बताते हैं कि भाई मैं देखो यहाँ पे इतना प्रॉफिट बना लिया, मैं इतना प्रॉफिट बना लिया, एंड लॉसेस हो रहे उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो कभी लॉसेस भी दिखाया करो ताकि लोग को रियलिटी पता रहे। अगर आपके अंदर ये गट्स है कि आप 36,000 नुकसान देख करके भी आप मेरे ऐसे स्माइल कर सकते हो, तो नो डाउट भाई ट्रेडिंग आपके लिए, कुछ मत सोचना, ठीक है। अगर आप जो आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आपको लॉस हो रहा है, एंड उसके बाद भी आप मुस्कुरा रहे हो, मतलब कि आपको लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है कवर कर लेंगे, जैसे मेरे कॉन्फिडेंस है भाई कि आज नहीं कल कवर हो जाएगा, इसमें सोचना क्या है। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, ये जो 36,000 नुकसान हुआ ये टोटली मेरी गलती की वजह से हुआ। अब मैं इसमें आपको ब्लेम नहीं कर सकता, मैं अपने टीचर को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं अपने मेंटर को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं अपने फैमिली वालों को ब्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। और सिंपल सा चीज़ ये है कि मैं किसी को ब्लेम करूंगा तो मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागूंगा, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागना मतलब आप अपने सक्सेस के सीढ़ी से 2 स्टेप और नीचे आ जाओगे। यानी जो आपने मेहनत करके 2 स्टेप ऊपर चढ़ा है वो 2 स्टेप पीछे आ जाओगे, क्योंकि अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। तो पहला लेसन तो मैं ये सिखाऊंगा, सबसे बढ़िया चीज़ जो शायद ही कोई सिखाता हो, कि आपको अगर लॉसेस हो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का क्रेडिट हमेशा दूसरों को दिया करो, हमेशा अपने फैमिली वालों को, भगवान जी को दिया करो कि उनके वजह से उनकी आपको उनके ऊपर आपका सपोर्ट था, ठीक है, उनका सहारा था कि आपने प्रॉफिट बनाया। एंड लॉसेस जो होना उसका क्रेडिट, फुल क्रेडिट अपने ऊपर लो, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लो। इससे होगा क्या, अब आपको क्या लगता है ये मेरे को नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं आज मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ दे के जाएगा, ठीक है। आज अगर मैं पूरे रात, अगर मैं अराउंड 3-4 बजे तक तो मैं सोता ही हूँ,
इस 4-5 घंटे के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा मैं जरूर डिफाइन करूंगा जिससे मेरे को और ज्यादा रिस्क से बचने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो हर एक चीज के पीछे ना कुछ छुपा होता है। मुझे पता है कि गॉड मेरे लिए इससे भी अच्छा प्लानिंग करके रखे हुए, ठीक है। आज मुझे 36,000 का नुकसान हुआ, हो सकता है कि कल मैं 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट करूँ, हो सकता है। क्या है प्रॉफिट, वो तो होना ही है, ठीक है। होना क्या है, हमेशा गॉड आपके पास आपके लिए ना एक अच्छा प्लान लेकर रखता है। तो कभी भी आपको लॉसेस हो तो कभी हताश नहीं होना है, ठीक है। अभी मेरे को 36,000 का नुकसान है, तो मैं अगर हताश हो गया तो फिर तो चीज़ें खत्म हो जाएगी भाई। फिर ट्रेडिंग में क्यों कर रहा हूँ मैं, फिर ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ। और ये भी सोचो कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट इसमें लगा रखा है, इसमें मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। आप देखोगे, अगर मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, ये देखो अराउंड अभी मेरे पास 86,000 का कैपिटल इसमें बचा हुआ है। मतलब मैं हमेशा, मेरा रूल है कि जितना भी टोटल फंड है मेरे पास, मतलब ट्रेड करने के लिए जितना भी मेरे पास टोटल फंड है ट्रेड करने के लिए, उसका मैं मात्र 20% कैपिटल ही इस अकाउंट में रखता हूँ। 20% कैपिटल से ही मैं ट्रेड करता हूँ। एंड उसका मैं, मेरा जो रूल होता है कि 20-30% का ही रिस्क लेता हूँ पर डे, उससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। लेकिन फिर ये 36,000 का नुकसान हुआ, उसके पीछे का रीज़न समझाता हूँ क्या है। लेकिन पहले लेसन दे देता हूँ कि कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भागनी है। गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करो, डायरी में नोट डाउन करो, जैसे मैंने नोट डाउन किया कि मेरे से क्या गलती हुआ, ठीक है। एंड वही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये छोटा सा गलती मेरे से हुआ वो आप ना कर दो, तो मेरी गलती से आप सीख जाओ। क्योंकि एक कहावत है कि अगर आपको ज़िंदगी में जल्द ही सक्सेसफुल होना है ना, जस्ट वेट, बैटरी डाउन हुआ है, फाइन। हाँ, तो मैं ये समझा रहा था कि जब भी आपसे गलती हो जाए तो गलती को ये नहीं समझना यार कि मेरे से गलती हो गया तो सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। नहीं, 35-36 हज़ार में बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने इसे लेसन क्या लिया वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने लेसन ये लिया कि सबसे पहला चीज़ जो मैं समझाता हूँ कि कभी भी लॉस हो, क्रेडिट, फुल क्रेडिट अपने ऊपर लो। जब भी प्रॉफिट हो, क्रेडिट भगवान के ऊपर छोड़ दो, माता पिता के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। उनके कर्तव्य से, उनके पुण्य से आपको इस बात का मतलब प्रॉफिट है, चाहे जो भी है वो उनका क्रेडिट है, तुम्हारा क्रेडिट नहीं है इसमें। क्रेडिट लोगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पहली बात मैं समझाता हूँ। दूसरा चीज़, ये 36,000 नुकसान के पीछे कारण क्या है भाई, ऐसा क्या मैंने गलती कर दी कि मुझे 36,000 का नुकसान हुआ, वो मैं समझाता हूँ। देखो, मेरे को सुबह सुबह अराउंड कितने बजे तक, 1 बजे तक, 1 या 2 बजे तक मुझे 22-23-24 हज़ार का प्रॉफिट हो चुका था, ठीक है। एंड उस प्रॉफिट को मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। उस प्रॉफिट को मैंने, ये जो 36,000 वाला प्रॉफिट लॉस है ना, इसमें मैंने अराउंड लगभग 24-25 हज़ार के आसपास प्रॉफिट किया था। ये 25,000 को कन्वर्ट किया मैंने 36,000 में। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। जब ये चार्ट मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, अगर आप सबको याद हो तो ये चार्ट मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, है ना। ये चार्ट मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, ठीक है। ये चार्ट पोस्ट किया था और इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही थी, क्या कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे खड़ा था। और मैंने सबको यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था कि मार्केट ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। एंड यहाँ तक मुझे अराउंड 24-25 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हो चुका था। एंड मैं अपना ट्रेडिंग पैनल क्लोज करने वाला था, ठीक है। बट रैंडमली क्या हुआ ना कि ये जो कैंडल जो क्लोज दिया नीचे, ये मेरे को फिर से ना अग्रेसिवनेस ले आया मेरे अंदर कि भाई कुछ ना कुछ है, मार्केट में हलचल हो रही है, हम कहीं ना कहीं कुछ बड़ा चंक मिस कर देंगे। क्योंकि हमारा कोटा प्रॉफिट का जो है वो कंप्लीट हो चुका था, मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। लेकिन जो होता है ना, एग्रेसिवनेस आ जाता है कि भाई ये कैंडल जब क्लोज किया ना इस लेवल को, जब ये जो है ये मेरा मेजर लेवल होता है, हमेशा मैं ऐसे मेजर लेवल 15 मिनट के चार्ट पे मार्कआउट करके रखता हूँ, जो आपको टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दिया करूँगा, ठीक है। जहाँ पे मार्केट रुकना ही है नहीं हो, जैसे देखो मार्केट सुबह निकला यहाँ पे, ये यह हमारा मेजर लेवल पे गया और ये मेजर लेवल से घूम गया, ठीक है। ये मेजर लेवल मैंने सुबह सुबह मार्कआउट कर लिया है और ये हमेशा मेरा 15 मिनट चार्ट पे एक जगह मार्कआउट रहता है। तो जब ये मेजर लेवल पे मार्केट पहुँचता है ना, तो मैंने ये सोचा कि अगर एक तो पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, एंड दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरा यहाँ पे मेरे को ये सपोर्ट दिख रहा है, मेजर सपोर्ट दिख रहा है, तो डबल सपोर्ट मुझे एक टाइम पे दिखा, ठीक है। मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आ चुकी थी इस कैंडल को देख करके। एंड मैंने यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने गलती बस इतना कर दिया, आपको हंसी आएगी मेरी गलती पे, मैंने बस गलती इतना किया। जैसे देखो सुबह सुबह मैं क्या करता हूँ ना, पोजिशन मतलब जो डीप आईटीएम में जाकर बनाता हूँ, क्योंकि थर्सडे का क्या रूल है ना, फर्स्ट हाफ में आपको डीप आईटीएम में ट्रेड करना होता है। फर्स्ट हाफ में आप अगर ओटीएम गए, एटीएम भी बन गए ना, तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन थीटा डी के बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है।
तो आपको थर्सडे के दिन फर्स्ट हाफ में डीप आईटीएम ट्रेड करना होता है। मैंने फर्स्ट हाफ में डीप आईटीएम ट्रेड किया पुट के साइड, ठीक है, डीप आईटीएम पुट के साइड ट्रेड किया। अब क्या हुआ मेरे से, जो मैं समझाता हूँ, डीप आईटीएम ट्रेड करके इससे तो प्रॉफिट बना लिया था, 22-24-25 हज़ार रुपये प्रॉफिट बना लिया। फिर क्या हुआ, जब मार्केट इस लेवल पे मार्केट नीचे की ओर ब्रेकडाउन किया, तो ये वाला जो चार्ट, ये जो कैंडल बना, तो मेरे को एग्रेसिवनेस आ गया। एंड फिर मैं सोचा कि एक कैंडल का मैं कन्फर्मेशन का वेट करता हूँ, ठीक है, मैंने कन्फर्मेशन का वेट किया। एंड उसके बाद फिर ये कैंडल ना स्ट्रॉन्ग बन रहा था, मतलब ये जो विक था ना उस टाइम पे बन ही रहा था, ये जो विक था, क्योंकि चार्ट जो होता है वो 5 मिनट में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो 5 मिनट पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की मुझे क्लोजिंग बनती हुई दिखी। मैंने क्या किया ना, मतलब मैंने प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं देखा, हालांकि मैं जितना मैं ट्रेड कर रहा था वो सेकेंड हाफ में 50-60 रुपये का प्रीमियम में ट्रेड कर रहा था। लेकिन क्या हुआ ना कि यहाँ पे जैसे ही मुझे 5 मिनट पे एक बढ़िया सा क्लोजिंग दिखा ना रेड कलर में, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मुझे दिखी, और मुझे दिखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 40-50 पॉइंट का गैप है एंड ये मार्केट गैप को फील करने आ सकता है। तो मैंने वो एक्सपेक्टेशन से क्या किया, मैंने कहा भाई कौन प्रीमियम ऐड करने जाता है, यही प्रीमियम ऐड है, चलो आईटीएम ही है ना, क्या दिक्कत है। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसी में गया, ऐड में गया और यहाँ से खटाक से 300 क्वांटिटी ऐड कर दिया। एंड उस टाइम पे जो प्रीमियम चल रहा था वो 183 पे चल रहा था, ठीक है, मैंने इस बात का ख्याल ही नहीं रखा कि 183 पे प्रीमियम चल रहा है, बहुत महंगा है। थर्सडे के दिन 183 का प्रीमियम, वो भी लास्ट फेज में खरीदना अपने आप में सबसे बड़ी गलत बात है। तो आज से एक बड़ा लेसन ले लो कि कभी भी थर्सडे के फर्स्ट हाफ में आईटीएम ही ट्रेड करो, मैं तो कहता हूँ डीप आईटीएम ट्रेड करो, एंड सेकेंड हाफ में 60 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम कभी मत बाई करना, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी में तो 20 रुपये ज़्यादा का मत बाई करना सेकेंड हाफ में, और बैंक निफ्टी हो तो 60 रुपया मैक्सिमम है, मैं तो कहता हूँ 50 रिकमेंड करूँ, और मैंने खुद 50-60 रुपये करके ट्रेड करके बनाया है, ठीक है। मैंने रैंडमली मैं सोचा कि भाई कौन ऐड करने जाता है, मतलब जो होता है ना रैंडमनेस आ गया मेरे अंदर, रैंडमनेस क्या आ गया मेरे अंदर, आलस आ गई, इस बात की आलस आ गई कि अरे भाई कौन प्रीमियम सर्च करके एटीएम ओटीएम देखने जाता है, चलो ना ये आईटीएम ही तो है ना, नुकसान नहीं होगा ना, एटलीस्ट प्रॉफिट ही होगा, मैं तो यही सोच के ऐड किया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सारे ऑप्शन सेकेंड हाफ में फ्यूचर बन जाते हैं। अगर आपने ऐसा नोटिस किया हो कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा ना और आपने आईटीएम ले रखा है, तो वो प्रीमियम 120 पॉइंट मूव कर जाएगा, 130 पॉइंट मूव कर जाएगा, यानी जितना इंडेक्स नहीं मूव करेगा उससे ज़्यादा ऑप्शन मूव कर जाता है, आपने ऐसा नोटिस किया होगा, ठीक है। एंड इसी बात का मैं शिकार हो गया, मैंने अगर गलती थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया होता, मतलब दिमाग तो मेरे को पता ही था, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कष्ट कर लिया होता, जैसा जो लोग करते हैं सोते हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ़ोन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो रैंडमनेस वाली चीज़ है ना सबसे गंदी चीज़ है, आज से निकाल दो, प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए कि हाँ दिस इज़ आवर एंट्री पॉइंट, दिस इज़ आवर एग्जिट पॉइंट, दिस इज़ आवर कंडीशन एंड दिस इज़ आवर स्ट्राइक प्राइस, दिस इज़ आवर एसएल, दिस इज़ आवर टारगेट। प्रॉपर आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए, आप रैंडमलेस करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वही गलती मैंने किया। अगर मैंने थोड़ा सा कष्ट कर लिया होता यहाँ पे और सर्च करके उस टाइम पे जब मार्केट चल रहा था वो मैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया होता, चाहे ओटीएम चूज कर लिया होता, तो अगर वो प्रीमियम मेरा जीरो भी हो गया होता ना, तो एटलीस्ट फिर भी मैं 10-12 हज़ार का प्रॉफिट में निकलता, 300 क्वांटिटी में क्या जाता। अगर मैं मान के चलो 300 क्वांटिटी में बाई करता 40 रुपये का, ठीक है, 40 रुपये का अगर मैं 300 क्वांटिटी बाई करता है, तो 4-3 या 12 हज़ार रुपये का नुकसान होता। अगर वो प्रीमियम जीरो भी हो जाता तो मेरे 12 हज़ार का नुकसान जाता, फिर भी मैं 15 हज़ार का प्रॉफिट में रहता ना। लेकिन चूंकि मैंने बाय क्या किया, 183 रुपये का प्रीमियम बाय किया, 183 रुपीज़ का, ठीक है। अब एक बात बताओ, 183 रुपीज़ एंड कहाँ पे, एक्सपायरी के सेकेंड हाफ में 183 का प्रीमियम बाय करना, आज कॉपी में नोट डाउन कर लो, सेकेंड हाफ में कभी भी महंगा प्रीमियम नहीं बाय किया जाता है। आप सस्ता से सस्ता प्रीमियम बाय करो, अगर मार्केट मोमेंटम आपके डायरेक्शन में करेगा तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई मैंने रैंडमनेस, मतलब मेरे को थोड़ा सा उंगली पे कष्ट करना मेरे को गलत लगा, एंड मैंने क्या किया, ये जो प्रीमियम पोजीशन बना हुआ था, मैंने कहा भाई कौन ऐड करने जाता है, यहीं से मैंने पोजीशन खटाखट 300 क्वांटिटी ऐड कर दिया, ठीक है। और वो ऐड किया, वही हुआ, मार्केट वहाँ से थोड़ा सा बस घूमा, आप ये देखो मार्केट क्या किया, बस वहाँ से थोड़ा सा घूमा, मार्केट वहाँ से बस थोड़ा सा, ये जो ग्रीन कैंडल जो घुमा ना, लॉसेस पता है कितने चले गए, 48,000। सोचो 180 का प्रीमियम, 180 का प्रीमियम डायरेक्ट आ गया 100 रुपये पे, डायरेक्ट 80 रुपये का नुकसान, 80 पॉइंट का नुकसान प्रीमियम में, 80 पॉइंट का। एंड और तो और सुनो, एक तो ये भी हुआ, 300 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया,
और जैसे ही ये 180 से जैसे ही 163 पे गया, देखो मैं ऑर्डर भी दिखाता हूँ, आप देखो ऑर्डर को, एक सेकेंड आप ऑर्डर देखो, 300 क्वांटिटी मैंने 183 बाय किया एंड फिर मैंने एवरेजिंग कर लिया 172 पे, ठीक है। आप ये देखो मैंने क्या किया, गलती क्या हुई, मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं 180 पे बाई कर दिया, अब गलती तो वहाँ हो गई थी, लेकिन फिर मैंने अपनी गलती को ना ना समझते हुए भी फिर से मैंने क्या किया कि चलो भाई 100 क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं, एवरेज हो जाएगा। जब एवरेज हो जाएगा तो यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा सा ही फॉल करेगा तो मेरे को प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट करेगा। एंड 180 रुपये पे प्रीमियम मैंने फर्स्ट बाई किया, सेकेंड 167 रुपये पर बाई किया, 173 रुपये पे, और मार्केट 1/100 पे चला गया। फिर मुझे ना चाहते हुए पोजिशन को काटना पड़ा एंड जैसे मैंने पोजिशन को काटा मार्केट अगेंस्ट गया, मतलब हमारे फेवर में ही आया मार्केट, मेरा एनालिसिस थोड़ा सही रहा, बट कोई बात नहीं, मैंने गलती क्या किया वो चीज़ समझने वाली बात है। एक तो गलत ट्रेड, ऊपर से क्वांटिटी ऐड है ना, एवरेजिंग कर दिया, एवरेजिंग तो इधर भी मैं बहुत किया था, एवरेजिंग करके मैंने अच्छा खासा पैसा बना लिया था, लेकिन इधर क्या किया मैंने, इधर एवरेजिंग करने के बाद गलत ट्रेड में एवरेजिंग करना सबसे गंदी चीज़ है। तो आपको सबसे बड़ी लेसन आज ये लेनी है इस मेरे बड़े लॉसेस से कि कभी भी सेकेंड हाफ में एक्सपायरी के दिन 50 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम नहीं खरीदना। अगर खरीद रहे हो तो बहुत बड़ा शिकार बन जाओगे नुकसान का। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट 10 पॉइंट भी गया तो ऑप्शन आपके अगेंस्ट 15 पॉइंट भागेगा, ये मान के चलना है, अगर आपने 100-150 से ऊपर का प्रीमियम बाई कर लिया। तो हमेशा बेस्ट प्रेफरेबल सेकेंड हाफ में क्या होता है, सेकेंड हाफ में बेस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन प्रीमियम कौन सा है, 50 रुपया, ठीक है। फर्स्ट हाफ में आप जा सकते हो 150-200 का प्रीमियम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इस टाइम पे थीटा डी के बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है सारे ऑप्शंस फ्यूचर बन चुके होते हैं, ठीक है। जितना मार्केट भागेगा उतना ऑप्शन भागेगा, उससे ज़्यादा ही भाग जाता है। तो पहला लेसन ये है। दूसरा लेसन जो मैं सिखाता हूँ वो ये कि कभी भी हमेशा विनिंग ट्रेड में, जो ट्रेड आपके प्रॉफिट्स में जा रहे हो वही ट्रेड में एवरेजिंग करो, लॉसेस वाले ट्रेड में कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी लॉस वाले ट्रेड में एवरेजिंग मत करना, ठीक है। ये तो ठीक है मैं सह लूंगा भाई, 6,000 का नुकसान है कोई बड़ी बात है, 36,000 का नुकसान मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं कवर कर लूंगा, मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी। लेकिन आप भाई हार्ड एंड मनी होता है तो वो जाता है तो तकलीफ होता है, ठीक है। मुझे भी तकलीफ होती है लेकिन मेरे को पता है कि मैं कमा लूंगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो वही दो जो लेसन मैंने सिखाया, पहला ये कभी भी एक्सपायरी के दिन, कभी भी एक्सपायरी के दिन वो नहीं बाई करना, ATM डीप ITM मत बाई करना सेकेंड हाफ में, हमेशा OTM में ट्रेड करना, 40 से 50 रुपये का प्रीमियम रखना एंड निफ्टी में 20 से 25 रुपये का प्रीमियम रखना, ये तो पहला लेसन। दूसरा, लॉस वाले ट्रेड में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना, ठीक है, दो सबसे बड़ी बिगेस्ट रीजन। एंड तीसरा, जो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना, प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए कि ये कंडीशन हिट होगा तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा, यहाँ पे मेरा एग्जिट होगा, यहाँ पे मेरा टारगेट बुक होगा, एंड सबसे पहला चीज़ इस स्ट्राइक प्राइस में मैं एंटर होऊंगा। आज मंडे है तो मेरे को ITM ट्रेड करना है, आज ट्यूसडे है तो मेरे को डीप ITM ट्रेड करना है, वेडनसडे तब भी डीप ITM ट्रेड करना है, आज वेडनसडे थर्सडे है, फर्स्ट हाफ में डीप ITM ट्रेड करना है, सेकेंड हाफ में OTM ट्रेड करना है। हर दिन का एक अपना अपना स्ट्राइक प्राइस, मेरे को सब चीज़ें पता था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ये पोजीशन बना हुआ था, मेरे को 20-22,000 में प्रॉफिट था, मैंने कहा ऐड कर लूँगा भाई, पुट 50 रुपये वाला ही ऊपर जाएगा और ये 200 वाला भी ऊपर जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो 50 रुपये वाले हमको नुकसान कम होगा, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है, नुकसान इसमें कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस लेसन को आप सब नोट डाउन कर लें एंड थैंक यू सो मच। बाकी कोई दिक्कत नहीं है तो मैं ऐसे ही कवर कर लूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मिलते हैं।